बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। मैं भारत सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूँ जिसके द्वारा मानव रहित फाटकों को बंद कर दिया गया, इससे रेल दुर्घटनाओं में अत्यधिक कमी आई है। लेकिन एक साथ साथ एक व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो गई है। एक ही गांव दो भागों में विभक्त हो गया है। एक गांव के लोग दूसरी ओर जाने में असमर्थ हैं, जहां पर ब्लॉक ऑफिसेज है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो वहां बच्चों को भेजने में या अपना उपचार के लिए जाने में कठिनाई हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से सुझाव है कि LHS की व्यवस्था की जाए, लो हाइट सबवे की व्यवस्था की जाए। और इस लो हाइट सबवे में मात्र 4 करोड़ रुपया लगता है मैडम, जो किसी भी सरकार के द्वारा इसका खर्च उठाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी झारखंड की सरकार इस पैसे को भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ जो 5-6 रेलवे क्रॉसिंग हैं, लालगढ़, पजरीकला, डाली, तोलरा, अहिरपुरवा एवं सोनबरसा, जो बंद हो गए हैं, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि यदि राज्य सरकार इस पैसे को वहन करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में रेल मंत्रालय स्वयं इस खर्चे को उठाए और जनता की कठिनाइयों को दूर करने का कष्ट करें। धन्यवाद मैडम।